मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने गांव से स्कूल तक हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर पैदल विद्यालय पहुंचे और निलंबित हुए शिक्षक संजय पंचोली के समर्थन में निलंबित की कार्यवाही से बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देख अन्य स्कूल के छात्रों ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ समर्थन कर विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, बोर्ड की परीक्षा नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे, पर हम स्कूल नहीं जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बही पार्श्वनाथ में प्रतिदिन की तरह छात्र छात्राएं पढ़ाई करने स्कूल में आए थे। इसी दौरान विद्यालय में उपस्थित शिक्षक संजय पंचोली के निलंबित की खबर छात्र छात्राओं को लगी तो विद्यालय उपस्थित छात्रों में उदासी छा गई और प्राचार्य से शिक्षक संजय पंचोली को बुलाने की मांग की गई तो प्राचार्य ने छात्र को बताया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो छात्र छात्राओं ने स्कूल से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता रवि पोरवाल को विद्यालय की छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि संजय पंचोली सर बहुत अच्छे हैं और उनके पढ़ाने का तरीका भी हम सबको अच्छा लगता है। पाठ पढ़ाने के दौरान सभी विषय के बारे में बारीकी से समझाते थे, जिसके चलते हमें तुरंत सब याद हो जाता था और संस्कृत का विषय भी अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ समझाते थे, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज खबर मिली कि हमारे गुरुजी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके चलते आज सभी ने स्कूल में पढ़ाई न करते हुए उनके ऊपर हुई कार्यवाही का विरोध किया। वहीं कक्षा 10वीं की छात्राओं ने बताया कि हमारी बोर्ड की परीक्षा है, हम फेल हो जाएंगे, पर स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, हमें आगे उच्च अधिकारियों तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों और प्राधानाचार्य महोदय जी से का सम्मान करती हूँ। हम सब कुछ गलत कह दे उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम बस हमारा प्रश्न का उत्तर यह चाहते हैं कि हमारे सर में ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या कारण हुआ था कि उनको सस्पेंड करवा दिया गया है। हमें सस्पेंड का पहले मालूम नहीं था। हम जब सुबह यहाँ आए तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम ने खुद कहा कि यहाँ कोई नहीं सुनेगा, बाहर जाओ। हमने उनको सस्पेंड करवाया, कोई उनको कोई नहीं ला सकता है। हमें बस प्रिंसिपल मैडम ने ये बोलते हमें नहीं पता, हमें जवाब चाहिए प्रश्न का उत्तर कि किस लिए करवाया है, उनमें क्या कमी थी। ऐसे वो सबसे अच्छी संस्कृत पढ़ा सकते है, वो सच बोलते वो सच बोलते, उनका सच कड़वा लगता है सबको। वो हमको सच राह पर चलना सिखाते हैं, हमको हौसला देते हैं, हमको कोशिश करना सिखाते हैं। वो जब पाठ पढ़ाते हिंदी को उसमें हमको प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं, तो उनमें उनकी क्या गलती है। अगर उनको वापस नहीं लाया गया या सस्पेंशन नहीं बताया गया तो हम बस 10वीं फेल हो जाएंगे, बोर्ड क्यों ना हो, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, हम स्कूल में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारे सर को सम्मान पूर्वक इस स्कूल में नहीं ला सकता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजता है कि उसका भविष्य बने, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। अब इस विद्यालय की सिर पर चार दीवारों से नहीं बनता है, इसमें टीचर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। टीचर विद्यार्थी को सही बातें सिखाते हैं, तो जब वो सही बात सिखाने वाला, सही राह पर चलाने वाला, हमें हौसला देने वाला, हमें सबसे अच्छे पढ़ाने वाला टीचर ही इस विद्यालय में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस विद्यालय में। वो हमको इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम संस्कृत जानते ही नहीं थे, इसी स्कूल में आपके हमने संस्कृत पढ़ना सीखा, श्लोक इतने गा के सुना थे, वो हर एक पहला लेसन होता है वो वंदना उन्होंने हमको याद करवाई, तो उनको क्यों सस्पेक्ट किया, उनकी क्या गलती थी। इन लोगों ने सस्पेंड करा यहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने, क्या कारण हो सकता है, मतलब उनकी लड़ाई हुई है, क्या पता हमको, क्या पता हमको कारण पता नहीं है। अगर उनको नहीं लाएगा यहाँ पे ऑफिस, आप क्या करोगे। हम 10वीं फेल हो जाएंगे पर हम यहीं पे बैठ के नाराबाजी करेंगे और हमारे सर को कलेक्टर के पास जाएंगे। हम आपने सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे। विद्यालय के शिक्षक श्री संजय कुमार पंचोली जो संस्कृत विषय पढ़ाते हैं, माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध शिकायतें थी, जिन शिकायतों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा उनको निलंबित किया गया। वो 2013 से यहाँ सेवाएं दे रहे थे, संस्कृत विषय का था, बच्चों को बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर स्कूल के बाहर और उनको वापस लाने की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि बच्चों को अपने शिक्षक के प्रति आदर सम्मान और लगाव होता है, संभवतः इसीलिए वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शिकायतें थी और निलंबन के आदेश में भी लिखा हुआ है कि वो अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन भी नहीं करते थे और शासकीय कार्यों में लापरवाही पूर्वक कार्य करते थे, इन आधार पर उनको निलंबित किया गया।
पहले जब बोर्ड की छात्राएं बाहर प्रदर्शन कर रही, उनका कहना नहीं है शिक्षक शिक्षक को अपील है वो बाहर नहीं करेगा तो हम परीक्षा भी नहीं देंगे चाहे किसी को अंजाम दे दो। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे बच्चों को समझाएंगे? बच्चों को हम समझाएंगे और बताएंगे उनको कि शासन की एक प्रक्रिया है और उनको विषय पढ़ाने के लिए भी दूसरे शिक्षक आएंगे और उन शिक्षक की भी जांच होगी और संभवतः दोषमुक्त होंगे तो फिर से आ जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। मंसूर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।